कल 11:30 सबनी उषाद अरबिक कॉलेज में मीटिंग थी, इसमें सारे उलमा इकराम, सारे मसलक के लोग वहाँ पर उलमा इकराम मौजूद थे। जो हुकूमत की नई गाइडलाइन आई हुई है उसके ऊपर तबसरा करते हुए मशवरा करने के लिए वहाँ पर जमा थे। और इसमें यह तय पाया गया कि गाइडलाइन के अंदर ये वर्ड जो है रिलीजियस प्लेसेस मस्ट बी क्लोज्ड, तो उसमें थोड़ा बहुत क्योंकि एक तरफ दो टाइप के लॉकडाउन है, एक लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन है वो जुमा की रात से शुरू होगा और पीर के सवेरे तक ख़त्म होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ बंद रहेगा। और ये पीर के सवेरे 6 बजे से जुम्मा के 9 बजे तक ये पार्शियल लॉकडाउन है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ ये सब चलते रहेंगे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोविड प्रोटोकॉल के साथ। तो हम लोगों ने मीटिंग में ये तय पाया गया कि जब पीर से 6 बजे से जुम्मा के 9 बजे तक रिलीजियस प्लेसेस क्लोज्ड, मतलब देन पूरे क्लोज करने से लोगों को तकलीफ होगी, और ख़ासकर रमज़ान का महीना है, तरावी नमाज का मसला है, तो इसलिए वो तय पाया गया कि जाकर हुकूमत से रिप्रेजेंट करें कि ये जो क्लोज्ड है उसको निकाल के 9 बजे तक तुम्हारा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करो, 9 बजे से 6 बजे से 9 बजे तक सब बंद, बट हमारे को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो ये मशवरा तय पाएगा, इसका जाकर हम लोग गवर्नमेंट से हुकूमत से बात करके हुकूमत से प्रेजेंट करेंगे बोलकर। तो उसी सिलसिले में अमीर शरीयत और मौलाना मकसूद इमरान जनाब, हमारे शबीर मदनी साहब, सनाउल्ला साहब, मुफ्ती असलम साहब सब मिलकर पहले सिद्धरामैया साहब के पास गए, सिद्धरामैया साहब से बातचीत हुई और सिद्धरामैया साहब के ज़रिए से अशोक को फोन करना, अशोक इज़ अ डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर तो उनके इंचार्ज में ही आता है, तो उनसे बात हुई, फिर चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, फिर हम लोग जाके चीफ सेक्रेटरी को भी मुलाकात विधानसभा में गए डेलीगेशन के साथ, उनको भी जाके ये समझाए कि भाई तुम्हारा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वो 100% हम फॉलो करेंगे, इसमें एक जो है रिलीजियस प्लेसेस क्लोज्ड उससे हमारा जैसा मतलब 9 बजे से 6 बजे तक हम फॉलो करेंगे, बट मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, तरावी की 9 बजे से पहले हम तरावी भी ख़त्म करेंगे। तो ये बात हमने उनसे कही है, तो उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी भी बताई और कहा कि मैं ये चीफ मिनिस्टर के नज़रे में लाकर चीफ मिनिस्टर से बात करके इंशाल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा, यही बात। तो सिद्धरामैया साहब ने खुलकर बताया कि भाई देखो रमज़ान का महीना है, ख़ासकर उनकी तरावी नमाज तरावी का मसला है, तो आप जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो और जो क्लोज्ड है उसको निकाल के नमाज पढ़ने की इजाज़त दे, बट कोविड प्रोटोकॉल के साथ, यही बताया। अशोक का क्या रिएक्शन? अशोक भी वही कह रहा था कि भाई सीएम से बात करके मैं इसके बारे में कार्रवाई करूँगा, कोई वक्त तय किया गया कि इतने वक्त में बताएंगे या जवाब? हमने उनसे कहा है कि अगर जो कुछ भी करना है तो आज शाम के 7 बजे से पहले करना है, क्योंकि आज नमाज भी है तो 7 बजे से पहले करना है। तो उम्मीद है 7 बजे से पहले इतने वक्त जवाब आए? मेरे ख्याल से समझता हूँ कि 7-8 बजे से पहले हमको इसके बारे में इतला दी जाएगी, उसकी इजाज़त दी है या नहीं दी है, तो इंशाल्लाह शाम तक पता चलेगा। पहले था 10 से 5 तक, पर वो लगता था कि वो मुश्किल होगा क्योंकि सर्कुलर गाइडलाइन सब इशू हो चुका है, तो हमने कहा कि वो 9 से 6 तक ही रहने दो, बट हमारे को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है, मतलब इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। जुम्मा से और पीर के सवेरे तक टोटल लॉकडाउन है, तो वो हफ्ता इतवार 2 दिन का मसला है, तो उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, देखेंगे उनके फंड से। हालात ऐसी है जो MLA फंड आता था तकरीबन 1 साल से आकर नहीं है, तो फंड ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, 1 साल तक तो आकर नहीं है।
तकरीबन 1 करोड़ रुपया बाकी है MLA तो आकर नहीं है, तो आने के बाद वो सोच सकती हूँ। बोलो आजिया।